वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज के हमारे मेहमान जो आज बात करने वाले हैं वो है फोबियाज। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फोबियाज होते हैं, और वो किस तरह के होते हैं, कुछ को पानी से है, कुछ को अंधेरे से है, कुछ को हाइट से है, इस तरह के फोबियाज होते हैं, और भी कौन कौन सी टाइप्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मेरे फेवरेट मेहमान मौजूद है, डॉक्टर राफिया रफीक मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू शो डॉक्टर राफिया, कैसी हैं? अल्लाह का थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात। बिल्कुल अच्छा जनाब, और इसके साथ साथ आपको मोटिवेशन भी चाहिए होगी थोड़ी बहुत, और मोटिवेशन के लिए भी बात करनी पड़ेगी, और फोबियाज को ओवरकम कैसे करना है इस पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं जहाजेब अहमद खान, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जहाजेब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सबसे पहले तो डॉक्टर राफिया आपकी जानिब आऊंगी, हम फोबिया की बात करते हैं। बेसिकली फोबिया है क्या और इसकी टाइप्स क्या है? फोबिया इट्स बेसिकली एन इरेशनल फियर, और वो ये फियर है कि जो इरेशनल हद तक होता है। जैसे कि अगर कॉमन ले पर्सन के लिए मैं एक्सप्लेन करूँ, तो इफ़ यू सी विजन ऑफ अ स्नेक ऑन अ टेलीविजन और आप उसको उससे डरना शुरू कर देते हो, तो वो इरेशनल हद तक फियरफुल आप हो रहे हो, वो फोबिया है। अगर आपके सामने सांप आ जाता है और आप उससे डर रहे हो, तो मेरे ख्याल में वो फियर जो है वो अंडरस्टैंडेबल है और वो विद इन लिमिट्स है। तो ये इरेशनल परसिस्टेंट फियर होता है चीज़ों के बारे में, और ये सिचुएशंस के बारे में हो सकता है, ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, और मेरा ख्याल में जितनी भी सिचुएशंस हैं दुनिया में या जितनी भी चीज़ें किसी से भी हो सकता है। तो वो इंटरेस्टिंगली डिफरेंट टाइप के फोबियाज होते हैं उसमें, यूजली यहाँ हम कहते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं और एक जो सोशल फोबिया। ठीक है, तो और सोशल फोबिया के बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगी, क्योंकि सोशल फोबियाज वो फोबियाज होते हैं जिसमें लोग जो होते हैं फेयरफुल होते हैं इंटरेक्शन लोगों से करने में, किसी ओपन जगह पे जाने से या लोगों से मिलने से, या फियर ऑफ एवैल्यूएशन होता है उनको कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, मैं बोलूँगा, इसलिए वो निकलना घर से बंद कर देते हैं, वो घर में बंद हो जाते हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोबिया और फियर में जो डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, फोबियाज में ये डिफरेंस है कि जो फोबिक इंडिविजुअल है वो अवॉइड करता है चीज़ों को। और जैसे कि अगर उसको अभी आपने बात की कि फेयर ऑफ हाइट्स, तो वो जैसे कि सेकंड फ्लोर पर जाने से, इवन कि अगर ऑफिस भी है तो वो नहीं जाएगा, तो उसकी ऑक्यूपेशनल सोशल और उसकी एकेडमिक, अगर वो स्टूडेंट है तो फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। तो जहाँ फंक्शनिंग अफेक्ट हो दैट इज़ फोबिया, एंड इट और द फेयर इज नॉट कम्पैटिबल विद एक्चुअल सिचुएशन जो डेंजर है, तो वो फोबिया। ठीक हो गया। अच्छा जानसेब, फोबियाज की हम बात करें, फोबियाज होते क्यों हैं? बेसिकली कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो हमारे माइंड में एक इमेज सेट हो गया, क्या वजह है कि फोबिया हमें होता है? देखिए, फोबियाज जो ज़्यादातर देखने में आया है, जो लोगों के साथ लोगों के अंदर डेवलप होते हैं, वो बचपन से डेवलप होते हैं। जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा कि अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर, और वो एडल्ट्स होते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, लेकिन अंधेरे से डर लग रहा होता है, वो क्यों डर लगता है उन्हें? कभी ना कभी किसी न किसी वक्त में बचपन में उनके साथ कोई ऐसा वाकया रूनुमा होता है, कोई ऐसा हादसा होता है जो अंधेरे से रेलेवेंट होता है, या अंधेरे का एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होता है। इस वजह से वो एक वो फियर डेवलप हुआ हुआ होता है, और वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसी मेमोरी बन जाता है जो जब भी आप कभी उस फेज के उस सिनेरियो के अंदर जाते हैं तो वो आपकी मेमोरी क्लिक करती है आपके साथ। अच्छा, वो फियर बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फियर्स। वो जब फियर होता है और वो एक सर्टन हद से बढ़ जाता है, तो वो फिर फोबिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जरूरी है कि ये कोई पास्ट एक्सपीरियंस से आपका पहले कोई एक्सपीरियंस हो उसी वजह से ये फोबिया होता है? देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, जैसे मैम ने भी कहा कि फियर्स है ना, अगर तो सांप आपके सामने है तो आपका डरना बनता है, लेकिन आप उसको देख के खुद से अपनी तबीयत खराब कर लें, उसको हावी कर लें अपने ऊपर, वो ज्यादा है। अब कई लोग होते हैं उनको लिफ्ट के अंदर, इसको जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, लिफ्ट के अंदर उनको घुटन महसूस होती है, किसी ऐसी जगह पे वो जाएं जहाँ पे इन्वायरमेंट उतना खुला नहीं है लेकिन उन्हें उससे प्रॉब्लम हो रहा होता है। उस फियर को बेसिकली उसको ओवरकम करने का तरीका ये है, एक मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि टेल द स्टोरीज, यू विल बी द पर्सन द स्टोरीज यू विल बी टेलिंग योरसेल्फ। उसी की एक कड़ी ये है कि जब आपके इस किस्म के मामलात आपके साथ होते हैं, स्टोरी टेलिंग इज द की। लोगों के जो फियर्स होते हैं वो डेवलप ही इसी तरह से होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मतलब दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर्स, जैसे लोगों को फोबियाज रादर हाइट फोबिया होता है, लोगों को वाटर का फोबिया होता है, और उसको ओवरकम करने का बेहतरीन तरीका यही है
कि जो सिचुएशन जिस चीज़ से आपको डर लगता है टेक इट हेड ऑन. अगर आप देखें समंदर की गहराई, पानी की गहराई किनारे पे बैठ के नहीं नापी जा सकती, उसके लिए पानी के अंदर उतरना पड़ता है. इसकी मिसाल मैं लोगों को इसी तरह से देता हूँ. जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो कुछ इंटरवेंशंस में फिर ये बात सामने आती है कि इसको किस तरह से करना है. ये इसी तरह से है कि जब कोई बच्चा गाड़ी चलाना सीखता है या कोई भी शख्स कोई नया काम करना शुरू करता है जो कि उसने पहले नहीं किया होता, तो उसके जो इनिशियल फेजेस होते हैं उसमें वो अनकंफर्टेबल होता है. वो जो पॉइंट ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल है वो एक पॉइंट पे फियर की भी शक्ल ले सकता है अगर आप उसको वहीं छोड़ दें. क्योंकि आप जब ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं और मेन रोड पे जाते हैं तो एकदम से डर लगता है आपको कि कोई गाड़ी मुझे हिट कर देगी या मैं किसी गाड़ी को हिट कर दूंगा. तो उस पॉइंट के अंदर वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है. उस पॉइंट के अंदर अगर तो आपने गाड़ी चलानी है फ्यूचर में और आपने तो आप यू स्टिक ऑन इट और आप उसको करते हैं, यू टेक इट हेड ऑन. अगर दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कि उसको वहीं छोड़ देते हैं कि भाई मेरे नर्व्स इजाज़त नहीं देते एंड आई एम लीविंग इट, तो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का मुकाबला करने के लिए मैदान छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल. आपको उधर रह के लड़ना पड़ेगा और आप एक टाइम आएगा व्हेन यू विल बी कंफर्टेबल विद कंफर्टेबल. एग्जैक्टली डॉक्टर आफे, अभी जैसे संजीव ने बात की एक पॉइंट आते हैं जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन जब वो स्टार्ट लेना ही एक चीज को इनिशिएट करना ही वो ही बहुत मुश्किल होता है. इट इज बेसिकली एन एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी में एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और अवॉइडेंस होती है. सही. जो जैसे बात की जहांजेब ने कि अवॉइडेंस जो है वो आपका फियर को फोबिया में कन्वर्ट कर देती है. तो इसमें यूजुअली जो डिफरेंट ब्रेन मैकेनिज्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं फोबिया में, और ये देखा गया है कि जीन्स जो हैं 17 जीन्स इन्वॉल्व हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं, और उसमें हमारे ब्रेन के जो इम्पल्स कंट्रोल के एरियाज होते हैं वो हाइपर अलर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से या फिर वो इस सिचुएशन की वजह से होते हैं या कि अभी तक रिसर्च इज इनकंक्लूसिव अबाउट दिस. तो उसमें ये है कि बहुत सी और फैक्टर्स हैं, जैसे कि वो ट्रॉमा से बच्चा गुजरा हो और वो ट्रोमेटिक इवेंट, जैसे हम बात कर रहे थे कि अंधेरी जगह से या हाइट से फोबिया या इवन के हाइड्रोफोबिया वाटर से फोबिया, कोई बच्चा टब में रह गया हो और ड्राउन होने लगा हो और उसको फिर वो माइंड सेट उसका कंटिन्यू होता है, वो फोबिक हो जाता है. तो उसमें हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी जो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं. उसमें आपकी कॉग्निशंस में चेंज लाती हैं और आपके बिहेवियर्स में चेंज लाते हैं. तो कॉग्निशंस में जो फॉल्टी कॉग्निशंस डेवलप हो जाती हैं, फेयरफुल होती हैं टू एन एक्सटेंट, जिसमें पैनिक भी आ सकते हैं. सही. अब आप देखें कि कई दफ़ा फोबियाज आर हैव अ को मॉबिड कंडीशन विद अ पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, आपकी जो परस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग डिजी, आपको ऐसे लगता है कि सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, स्पेशली इन सोशल फोबियाज. और ये पैनिक के साथ फिर वो लोग बाहर नहीं निकल रहे होते. तो इसमें हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एट टाइम्स वी नीड एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंड इफ इट इज सुपर इम्पोज्ड बाय अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर तो फिर एंटी साइकोटिक ड्रग्स की भी जरूरत होती है. तो आजकल जो डिफरेंट फोबियाज हैं, मैं एक स्ट्रेंज सी बात है कि हर बंदे के अपने स्टाइल के फोबियाज होते हैं. मुझे बचपन से एक स्ट्रेंज फोबिया है और मेरे ख्याल में लोगों को हंसी आएगी इस चीज़ में, आई कैन नॉट सी अ फेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. मुझे जब आंख बड़ी या कोई फेशियल फीचर्स बड़ा नजर आता है ना, तो मुझे बड़ा खौफ आता है. मैं आज तक मैग्नीफाइंग ग्लास से ह्यूमन फेस नहीं देख सकती. सो इट इज अ फोबिया जो कि यूजली बुक्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बड़ा स्ट्रेंज सा फोबिया. और हर एक के फोबियाज डिफरेंट होते हैं एंड यूजली दे डिवेलप बिफोर द एज ऑफ 30. अच्छा. और फिर वो कंटिन्यू तो होते हैं, लेकिन ये कि डेवलपमेंट उनकी टीनेज पे और उस स्टेज पे होती है. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फोबिया जो है वो हाइट फोबिया है या फिर वो एनिमल्स का. अच्छा, हाइट फोबिया के हवाले से आई वांट टू शेयर समथिंग कि मुझे हाइट फोबिया है, मतलब मैं एक थर्ड फ्लोर पर जाकर नीचे नहीं देख सकती, लेकिन मेरा इन फ्लाइट आई एम ओके विद इट. वो दूसरा फोबिया ना, देखिये वो एरोफोबिया. जब आपको फ्लाइट का फोबिया इज समथिंग डिफरेंट, वो आपका रिलेट नहीं करता. हाइट है, लेकिन ये कि उसके अंदर और चीजें भी आ जाती है, क्लस्ट्रोफोबिया भी आ जाता है और वो एरोफोबिया कहलाता है. हर फोबिया का डिफरेंट है. और चीज भी है कि आप मूवमेंट में हैं, प्लेन में आप मूवमेंट में हैं, आप उधर स्टैटिक हैं और आपकी एक पॉइंट पे आके पोजीशनिंग ये हो जाती है, आप नीचे 90 डिग्री के एंगल पे आप देख रहे हैं. उसमें होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे टांगों में से जान निकल रही है. बिल्कुल, आई सो एग्री विद दैट. आपको लग रहा होता है कि आप पीछे पीछे हो रहे हैं और आपको कुछ अजीब गिर जाएंगे, आपकी टांगों में
में कुछ होना शुरू हो जाता है, वो है होता है इस वजह से कि आपका एंगल 90 डिग्री का बन जाता है और आप बिल्कुल एक स्टैटिक पोजीशन में होते हैं। उस पॉइंट पे चक्कर भी आने के चांसेस होते हैं, वेरा इस प्लेन में आप मोमेंटम में हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा फील नहीं होता। नहीं, लोगों को फील होता है। आई हैव सीन क्लाइंट्स जो के बाहर नहीं जा रहे, जॉब्स मिल गई हैं, दे रिफ्यूज टू ट्रैवल बाय एयर, और वो जो है इतना सीवियर, क्योंकि इट इज बेसिकली अ डिबिलिटेटिंग, डिस्ट्रेसफुल एंड कह लेंगे डिसगस्टिंग कंडीशन फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग, तो वो उसको इतनी अवॉइडेंस भी होती है लोगों की। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ फोबिया इज हेमाटोफोबिया, के ब्लड देख के आई लेफ्ट MBBS के मैं नहीं देख सकती थी। बहुत से लोगों को ये जो एरोफोबिया की जो हम बात कर रहे थे, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, वो शायद वो बड़ी मजे की एग्जांपल थी टू स्टार्ट विद। मोहम्मद अली बॉक्सर, उस शख्स की ट्रैवलिंग टिल ही वाज अलाइव, ही हैड टू ट्रैवल अ लॉट एंड ही वाज ट्रैवलिंग अ लॉट डे इन डे आउट, जब तक ज्यादा बीमार हो गए एंड ऑल। उनको एरोफोबिया था और शदीद किस्म का एरोफोबिया था, इस हद तक एरोफोबिया था कि व्हेन ही वाज सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक टीम फ्रॉम USA बॉक्सिंग ओलंपिक टीम, ही रिफ्यूज टू गो टू ग्रीस बिकॉज ऑफ द एरोफोबिया एंड ही सैट इन द फ्लाइट with a parachute on his shoulders throughout the flight. Oh my goodness. और वो ये कहा करता था अपने मुख्तलिफ इवेंट्स पे, वो कहा करते थे कि आई एम अ पर्सन हु हैज एरोफोबिया टू एन एक्सटेंट, कि मुझे कुछ मेरी तबीयत शदीद खराब होती है, बट स्टिल आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट। देखिए उसमें थोड़ा सा ओवरकम कर लिया ना, आई हैड अ क्लाइंट हु हैड सीवियर एरोफोबिया, तो उसमें हम एक टेक्निक होती है सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन, यू ट्राई टू डीसेंसिटाइज द क्लाइंट टुवर्ड्स दैट फियरफुल फोबिक सिचुएशन। उसमें हम मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दे के और उसके साथ फियरफुल सिचुएशन की हायरार्की बना के, तो फिर लीस्ट टू द मोस्ट की तरफ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता, और कई दफा ये होता है कि आपको इन वीवो एक्सपोजर भी देना पड़ता है, जैसे कि अगर किसी को डॉग्स का है या कुछ है तो उसमें यह है कि हम देख लेते हैं कि उसका मेडिकल स्टेटस इस तरह का तो नहीं, कोई खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक या कोई इस तरह, तो फिर हम उसको ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं। ये वाली एक टेक्निक आई भी मैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फोबियास, मुझे हाइट से, पानी से, तेज गाड़ी से, आई कांट सेट इन दैट, तो मैंने किसी को बताया कि मुझे इस तरह से फोबिया सेट कि आपको तेज गाड़ी में बैठना चाहिए, और फ्लडिंग कहते हैं। कई दफा ये है कि कुछ लोगों को लिफ्ट का फोबिया होता है, तो फिर उसमें ग्रेजुअली उनको आहिस्ता आहिस्ता, पहले अब आजकल तो बड़ी अच्छी सिमुलेशन टेक्निक्स आ गई है, वर्चुअल सिमुलेशन होती है जिसके थ्रू मेरा ख्याल में बहुत इजी हो गया हमें क्लाइंट्स को डील करना। तो ये जो फोबियाज हैं मेरा ख्याल में इतने इंटरेस्टिंग हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अच्छा डॉक्टर आफा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, कॉल ले लेते हैं, फिर हमें ब्रेक पे जाना है, फिर कंटिन्यू करेंगे हम यहीं से। नबीला है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा ये डॉक्टर राफिया से ये सवाल है जी जी, कि जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे ख्वाब में ऐसा लगता है कि मैं नीचे गिर रही हूँ। अच्छा, तो अच्छा, क्या ये फोबिया की कोई टाइप है या कुछ और है? ठीक हो गया नबीला, अभी जवाब ले देते हैं, लेकिन हमें ब्रेक पे जा रहे हैं, डॉक्टर राफिया और जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ये फोबियाज वाला जो टॉपिक है इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।